तो फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ 15 अगस्त की रेटिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं, कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो फ्रेंड्स, इस तरह की रेटिंग करके अपने व्हाट्सएप या भी इंस्टा पे डीपी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस फोटो में जो भी आप लोग को पीएनजी यूज किया हूँ सारा का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, तो आप लोग को क्या करना है, अपने फोटो को लेकर आ जाना है पिक्सार्ट के अंदर। किसी भी फोटो को आप लोग लेते आना फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मेरा फेस है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग अपनी फोटो को एडिट करके ला लेना है पिक्सार्ट के अंदर। तो इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को सबसे पहले टूल्स पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट पर जाना है। एडजस्ट पर जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, सिचुएशन पर आ जाना है। इसका पूरा फुल सिचुएशन माइनस रखना है आप लोग को। और फ्रेंड्स यहाँ पे इधर आना है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को हल्का सा माइनस में रखना है। और यहाँ पे क्लियरिटी को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है और यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड्स आप लोग को। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे एड फोटो पे आना है, एक पीएनजी को ऐड करना है आप लोग को। यहाँ से ऐड कर लेते हैं उस पीएनजी को। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इस पीएनजी को ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको पूरा फुल डिस्प्ले कर लेना है। और यहाँ पे नीचे आना है फ्रेंड्स ब्लेंड पे, और यहाँ पे आप लोगों को मल्टीप्लाई कर लेना है। उतना करने का फ्रेंड्स यहाँ से डन कर देना है। अब तो डन करने का फ्रेंड्स, अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रॉप पे जाना है। क्रॉप पे जाना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नीचे का भाग है और ऊपर के भाग है उसको क्रॉप कर लेना है। और यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉप करने के बाद यहाँ पे कितना मस्त लगने लगा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फोटो को रिसाइज कर लेंगे। जो उसका क्वालिटी है घट जाती है क्रॉप करने से फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उसका रिसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2435 डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे नीचे एड फोटो पे और पीएनजी को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई पीएनजी को ले लेंगे और यहाँ पे इस वाले पीएनजी को ले लेंगे, टेक्स्ट पीएनजी को। और इसको फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे तरह सेट कर देंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स इस वाले पीएनजी को, आई वाले पीएनजी को लेंगे और अपने फोटो को ऐसे जूम करेंगे और यहाँ पे आँख को सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले डुप्लीकेट को लेंगे, यहाँ से लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे इस वाले आप पहला कर सेट कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आई पिक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इरेज पे जाएंगे और ऊपर के भाग को इरेज कर लेंगे। और यहाँ से ऑपेसिटी को यहाँ पे आप लोग को 60 रखना है फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस वाले पीएनजी को यहाँ से देखिए हट चुका है, तो इसको अच्छी तरह सेट कर लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से जाएंगे एड फोटो पे, एक और पीएनजी को ऐड करेंगे। तो यहाँ से एड फोटो पे जाएंगे और यहाँ से एक और पीएनजी को ले लेते हैं। इस वाले पीएनजी को लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे और अपने यहाँ पे माथे पे सेट करेंगे लेयर पे। अब यहां से आप लोग को डन कर देना है फ्रेंड्स।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आना है ड्रॉअर टूल में। ड्रॉअर टूल में आने फ्रेंड्स थ्री डॉट पे क्लिक करना है, अपनी फोटो को सेव कर लेना है और अपनी फोटो को ले चलना है लाइटरूम के अंदर। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे कलर को। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं अपनी फोटो को लेकर आ चुका हूँ लाइटरूम के अंदर। तो इसके अंदर आना क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले लाइट पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सपोजर को हल्का सा माइनस रखेंगे और यहाँ पे कंटेस्ट को हल्का सा इंक्रीज और हाईलाइट को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे फ्रेंड्स, शैडो को भी हल्का सा इंक्रीज और वाइट को भी हल्का सा इंक्रीज, ब्लैक को भी हल्का सा इंक्रीज। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को हाईलाइट ज़्यादा हो फोटो में तो इसको हाईलाइट को आप लोग माइनस रख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कलर पे आना है और यहाँ पे हल्का सा अनबैलेंस को इंक्रीज कर लेना है, मिक्स पे चले जाना है, फर्स्ट वाले सिचुएशन को हल्का सा इंक्रीज करना है फ्रेंड्स, ल्यूमिनस को भी हल्का सा इंक्रीज और यहाँ पे सेकंड पे आना है, सेकंड का सिचुएशन को हल्का सा माइनस में रखना है, ल्यूमिनस को हल्का सा इंक्रीज और यहाँ पे वही को भी हल्का सा माइनस में रखना है और यहाँ पे सेकंड वाले कलर पे आना है फ्रेंड्स, सेकंड वाले कलर पे आने वाले इसका सिचुएशन को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है और वही को भी हल्का सा इंक्रीज, सॉरी वही को हल्का सा माइनस रख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे ग्रीन पे आना है, ग्रीन का सिचुएशन को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है और वही को भी हल्का सा इंक्रीज। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग को डन कर देना है और यहाँ पे नीचे आना है, क्लियरिटी को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है और विगनेट को हल्का सा माइनस और यहाँ पे नीचे आना है, सरफनाइज को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है और मैकिंग को भी हल्का सा इंक्रीज, नोइस को भी और कंटेस्ट को भी हल्का सा इंक्रीज फ्रेंड्स और यहाँ पे कलर नोइस को भी और यहाँ पे फ्रेंड्स डिटेल्स को 100 कर देना है, स्मूथनेस को 100 और यहाँ पे सबका डिटेल्स को आप लोग को 100 कर देना है और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो फ्रेंड्स आप लोग अपने बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, बिफोर आफ्टर। तो आप क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और अपने फोटो को सेव टू डिवाइव कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।